मोहतरम नाजरीन आदाब, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम। इल्म बयान का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इल्म बयान वो इल्म है कि जिसके जरिए नस्क को या नज्म को यानी अपनी बात को किसी भी अंदाज में कही जा रही हो किस तरह से ज्यादा मौसर और खूबसूरत बनाया जा सके कि कारी के दिल को वो मुतासिर करे, इस तरह की तमाम तर काबिशों को हम इल्म बयान कहते हैं। शायरी में इल्म बयान के तहत बहुत सारी सनातों का इस्तेमाल शायर अपने अशार को खूबसूरत मौसर और दिल को छूने वाला बनाने के लिए करता है। तो इस तरह की जो सनत हैं जिसकी जिनके कुछ के बारे में हम पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं, तशबीह, तलमी, इहाम, इश्तियारा, उसने तालील वगैरह, आज हम ईहाम के बारे में बात करेंगे। ईहाम का मैंने जिक्र किया वो हम पढ़ चुके हैं, वो पढ़ नहीं चुके बल्कि आज हम ईहाम का मुताला करेंगे कि ईहाम क्या होता है। और बहुत आसान सी सनत है, हालांकि सारी सनतें अगर आपने समझ ली है तो आसान है, और अगर आपकी समझ में नहीं आई या मुताला नहीं किया है तो जैसे वो मुश्किल है ये भी मुश्किल है। बहरहाल शुरू करते हैं ईहाम से। ईहाम दरअसल शायरी में ऐसे किसी लफ्ज का इस्तेमाल करना ईहाम कहलाता है जिसके दो माने हो। एक माना हो करीब का यानी जो फौरन जहन में आए, और एक माना हो बाईद का यानी दूर का जो थोड़ा सा गौर फिक्र करने के बाद सामने आए। यह जबान की खूबसूरती है, जबान की वसअत का कमाल है कि बहुत सारे अल्फाज, बल्कि मैं कहूँगा सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके एक ही लफ्ज के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग माने निकलते हैं। करीबी माने कुछ और होता है, दूर का माने दूसरा कुछ और होता है। तो ये सभी जबानों की के अंदर ये खासियत पाई जाती है, उर्दू में भी ये खासियत है। तो जब इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल शायर अपनी शायरी में करता है कि जिनमें कुछ करीबी माने भी हों कुछ दूर के माने भी हों, लेकिन शायरी में उस शेर में वो दूर का माना लेना वो चाहता है कि आप दूर का माना अखज करें, तब हम उसको ईहाम कहते हैं। यानी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल शेर में करना जिसके दो माने हों, एक करीब का एक बईद का, दूर का माना, लेकिन शायरी में वो दूर का माना जब आप अखज करें तब शेर का माने निकले, तो उसको ईहाम कहते हैं। बिला ताखिर में कुछ शेर आपके सामने पेश करता हूँ, इससे आपको इसकी वजाहत भी हो जाएगी और ये सनत समझ में आएगी। पहला शेर देखें। बसते हैं तेरे साय में सब शेख व ब्राह्मण, बसते हैं तेरे साय में सब शेख व ब्राह्मण, आबाद तुझी से तो है घर डैर व हरम का। अब यहाँ एक लग आया है साया। साया के माने एक तो ये होते हैं जो जब आप भूख में खड़े हो जाते हैं तो जो आपकी परछाई बनती है वो, या साय के माने जैसे पेड़ के छाया में हम खड़े हो जाते हैं वो भी धूप से बनने वाली जो परछाई होती है उसको हम साया कहते हैं। और एक साया होता है किसी की हिमायत करना, किसी की हिमायत करना। मान लीजिए किसी यतीम बच्चे को आप अपने किफालत में ले लें तो आप कहेंगे कि आज से ये मेरी साया आतिफत में है, या से ये इसकी परवरिश मेरे जेरे साया होगी, इस बच्चे की परवरिश आज के बाद मेरे जेरे साया होगी, मेरे साये के नीचे होगी। तो यहाँ साये से मतलब वो धूप वाला साया नहीं है, यानी आप उसकी हिमायत करेंगे, आप उसकी किफालत करेंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे। तो यहाँ जो ये शेर है ये शेर वो धूप वाले साये की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये उस हिमायत की या किफालत की बात कर रहा है।
वापस से इस शेर को देखे, बसते हैं तेरे साये में सब शेख हो ब्राह्मण, चाहे वो शेख साहब हो चाहे ब्राह्मण हो, वो सब के सब तेरे साये में है, तेरी हिमायत में है, तेरी किफालत में है, तेरी रहमत में है, तेरे मातहत है, तेरे अंदर में, किसके? खुदा के। बसते हैं तेरे साये में सब शेख और ब्राह्मण, आबाद तुझी से तो है घर देर और हरम का, चाहे वो दैर हो या मंदिर, मंदिर में पंडित जी, और चाहे वो मस्जिद हो, हरम हरम वाला मस्जिद, मस्जिद में शेर जी, तो मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी घर तेरी वजह से ही, तेरे वजूद की वजह से ही चल रहे हैं, तेरी वजह से ही आबाद है। किसकी वजह से? एक वाहिद खुदा की वजह से। मंदिर भी खुदा की वजह से आबाद है, मस्जिद यानी हरम भी खुदा की वजह से आबाद है, और शेख और ब्राह्मण भी तेरी वजह से आबाद है। अगर खुदा का तसव्वुर ना होता, खुदा की जात ना होती, तो शेख और ब्राह्मण भी नहीं होते, और ये मंदिर और मस्जिद भी नहीं होते। तो सब कुछ जो आबाद है, चाहे शेख हो, ब्राह्मण हो, या मंदिर हो, मस्जिद हो, वो तेरे साये की वजह से है, तेरी मौजूदगी की वजह से। तो यहाँ साये का लफ्ज जो है वो तूर के मानों में इस्तेमाल किया है। एक और शेर देखें, उसके रुखसार देख जीता हूं, जीना जिंदा रहना, उसके रुखसार देख जीता हूं, आरजी ऐन अली बारे जुआजी, आरजी आरजी मेरी जिंदगानी है, कमाना होता है गाल, आरजी कागजी, आरजी यानी गाल पर मुनहसिब। शायर कह रहा है कि उसके रुखसार देख जीता हूं, मैं उसके गालों को देखकर जीता हूं, मैं उसके गालों को देखकर जी रहा हूं, अगर उसके गाल या उसके रुखसार मुझे नजर आने बंद हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, यानी मेरी जो जिंदगी का दारो मदार है वो उसके आरिज पर है, उसके रुखसार पर है। तो यहाँ इस शेर में इस लफ्ज के दो मान निकल रहे हैं कि आरजी यानी गैर मुस्तकिल है, मेरी जिंदगी का जो मामला है वो टेम्पररी है, मेरी जिंदगी आरिज से जुड़ी हुई है, उसके गालों से जुड़ी हुई है, और मेरी जिंदगी टेम्पररी है, उसका कोई लंबी मुद्दत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेरा माशूक या मेरा महबूब मुझसे अलग हो जाएगा, वो मेरे सामने से हट जाएगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आरज ही मेरी जिंदगानी है, टेम्पररी मेरी जिंदगानी है। तो यहाँ दो हल आरज लफ्ज, आरजी लफ्ज के दो माने इस्तेमाल किए हैं। एक और शेर देखें, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। अब यहाँ जो लफ्ज आग है उसका मतलब आग नहीं, ऐसा नहीं शेर के अंदर कोई आग होगी, शेर में कोई फिजिकल आग नहीं होती, लेकिन आग लफ्ज से मुराद दूर के माने हैं, यानी इसको अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि आग से मुराद है यहाँ कोई आतिशी ख्याल, कोई ऐसा ख्याल जिसमें आतिश भरी हुई है, जो आपको जोश और जज्बे में उभारने वाला। तो शायद कह रहा है, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए, कुछ अल्फाज के अंदर, दो मिसरों में, चंद अल्फाज के अंदर कोई ऐसा आतिश ख्याल छुपा दिया जाए, आग छुपा दी जाए, जो आदमी को जोश दिला दे, वो गजल है, बाकी कुछ नहीं। एक और इस तरह के और भी शेर है, गुलदस्ता मानी को अजब ढंग से बांधू, गुलदस्ता मानी को, मानी के अर्थों के गुलदस्ते को अजब ढंग से बांधू, एक फूल का मजमून हो तो सौ रंग से बांधू, एक एक फूल को मैं सौ सौ रंगों से मैं बांध सकता हूं। इस तरह देखिए और देखें कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब यहाँ जो लफ्ज है रात काटी खुदा खुदा करके, खुदा खुदा करके यहाँ दो माने हैं, खुदा खुदा करके यानी अल्लाह को याद करके, लेकिन यहाँ दूसरा माने लिया गया है खुदा खुदा करके, यानी बड़ी मुश्किल से शायद दूसरे माने ले रहा है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन। अब ये फंसे लफ्ज है, ये उस दूसरे मिसरे की वजाहत कर रहा है, जब आदमी फंस जाता है तो फिर उसको निकलना मुश्किल होता है, परेशानी का एहसास होता है। तो मोमिन कह रहा है कि रात काटी, वो पूरी रात वापस निकलना वहां से मुश्किल हो गया, रात काटी खुदा खुदा करके, मुश्किल से बड़ी
याद करते, या खुदा खुदा करके का मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह का नाम लेकर और उसकी हम्द और सना और तारीफ करके याद करते, नहीं। तो यहाँ दूसरा माने शायर ने जो है वो अखज किया। तो ये तमाम अशार जो है वो ईहाम के हैं। ये कुछ अशार थे जो मैंने आपके सामने पेश किए जिनमें ईहाम सनत ईहाम का इस्तेमाल किया गया था, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था जिसके दो माने हों, एक करीब का और एक बईद का। मजीद अशार आप पढ़िएगा इसमें इस तरह की सनत का इस्तेमाल किया गया और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फ़क़त वस्सलाम।